हाय गाइस, गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में आपका वेलकम है। लाइव सेशन फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशंस में आज हम लोग जानेंगे ओनली वन ट्रिक के साथ किस तरह से हम क्यूब रूट और क्यूब रूट निकालते हैं। आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस सेशन के अंदर कि आपको किस किस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर एक लॉजिक, एक कॉमन सेंस और एक अपनी अप्रोच बेस्ट करनी है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कि आप पुराने वाले सिस्टम, जैसे मैं कहता हूँ कि 2G वाले नेटवर्क को यूज़ करते हैं, लोग 5G नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ये सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिन बच्चों ने IBPS RRB स्केल 1 एंड ऑफिसर स्केल का फॉर्म भरा था या उसके साथ में असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, उनके कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। आप ऑफिशियली साइट पर जाकर कॉल लेटर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी डेट को एग्जामिनेशन है एंड उसके साथ में आपको लोकेशन मिल जाएगी। इसके साथ में आपको एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिन बच्चों ने ग्रुप डी से पहले लोको पायलट के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था, उनके लिए रेलवे ने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। जो बच्चे SC और ST कैटेगरी से बिलोंग है, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जिनका सेंटर आया है, उनको जो एक पास जारी करना था वो पास जारी कर दिया गया है। आप डाउनलोड करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम इस सेशन के अंदर बात करते हैं। गिल्ज मेंटोर, योर सक्सेस इज अवर सक्सेस, यही हमारी थीम होती है। एंड सब पढ़ो, आगे बढ़ो, तो इस प्रोग्रेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपको क्या करना चाहिए कि अपना बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आने वाले एग्जाम, चाहे वो मैं आपको IBPS एग्जामिनेशंस की बात करूं, चाहे आपके वो RPF के अंदर SI एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल एग्जाम है, या मैं बात करूं SSC के अंदर GD का एग्जाम होगा, प्लस पंजाब के अंदर अपकमिंग पटवारी वैकेंसी और पंजाब पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो आपका बेस भी मजबूत होना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आजकल हो रहे हैं उनके अंदर आपके पास समय नहीं होता है। इस समय को बचाने के लिए आपको कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। इन हथकंडों को कहते हैं रामबाण विधि। रामबाण विधि आपको सिखाई जाएगी किस प्रकार से आप रामबाण विधि से अपनी प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा। कॉन्सेप्ट को समझना प्यारे बच्चों, पेपर में किस तरह से आएंगे, मेरा मतलब आपको सिखाने का ये है। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको विद्वान सज्जनों, 4+√44+, एंड मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया। चलिए बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। मुझे ये बताइए कि अगर जब तक आपको रूट वैल्यू का नहीं पता तब तक आप इनके आंसर नहीं निकाल सकते। करेंगे तुक्का मारेंगे, हाँ मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, आ सकता है, लेकिन मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस की शॉर्टकट्स दूंगा, ये तो आप कर सकते हैं। अगर मैं, प्यारे मित्रों, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि √20+√20+√20, बताइए क्या आंसर आएगा, नो मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने लिखा है 1 की क्यूब ऑलवेज 1 होती है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 × 1 × 1। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 × 3, ये गलत तरीका होता है। 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है विद्वान मित्रों 27, 4 की क्यूब होती है हम लिखेंगे 64, एंड 5 की क्यूब लिखेंगे 125, 6 की क्यूब लिखेंगे 216, 7 की क्यूब लिखेंगे 343, एंड 8 की क्यूब लिखेंगे 512, एंड 9 की क्यूब लिखेंगे 729, एंड 10 की क्यूब लिखेंगे हम लोग, माफ करना यहाँ पर क्यूब है 1000। ये मेरा लिखने का तरीका क्या था, ये तो आप भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। बेसिक्स लेवल के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के डेफिनेशन को, क्वेश्चन के लेवल को समझना है ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। किस तरह से करेंगे, कैसे समझना है, चलिए कि क्वेश्चन के अंदर मैं आपको रूल नंबर पहला बताऊंगा कि एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब वैसे ही प्रिपेयर करनी है आपको। ठीक है, क्या करना है विद्वान मित्रों, प्रिपेयर करनी है आपको, इसको रट्टा नहीं लगाना है, डोंट क्रैम इट, इसको क्रैमिंग नहीं करना है आपने, रटना नहीं है। जस्ट देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। डॉक्टर कहता है कि एक टैबलेट सुबह खाइए, एक शाम को खाइए, आपका फीवर ठीक हो जाएगा, तो हमारा फीवर ठीक हो जाता है। उसी प्रकार आपको मैक्सिमम 2 to 3 इनको रिपीट कर ले, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक्स इन पे बहुत बेहतरीन काम करेगी, लेकिन उससे पहले भी आप इनको एक लॉजिक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए
जैसे मान लो कई बच्चों को 5 के क्यूब का नहीं पता, तो विद्वान बंधुओं 5 के क्यूब को हम लिखते तो इस तरह से हैं। मैं बेस बता दूं पहले, क्या 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, इनको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब 7 की बात करें तो 7 का स्केयर तो इतना होता है, 7 टाइम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट यही अगर आपको प्यारे बच्चों 27 की क्यूब पूछ लिया जाता है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक फंडा सीखना पड़ेगा, उस फंडे को कहते हैं हम राम। चलिए रामबाण विधि की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है, अपने लाइफ टाइम इसको याद रखेंगे, ए प्लस बी का क्यूब। मैं हॉल स्केयर की बात भी बता दूं, हॉल स्केयर बता दूं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बता दूं, ये आपको लिखना था ए स्केयर, यानी आपको करना था 2ab और यहाँ लिखना था बी स्केयर। इससे आपने स्केयर्स निकालने हैं। क्यूब निकालने की ट्रिक क्या है, ए की क्यूब यहाँ लिखना है 3a² b, एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट 3a एंड b² नेक्स्ट यू हैव इनर क्वेश्चन। सो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे पहले। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको 11 की क्यूब बता रहा हूँ, 11 की क्यूब मुझे पता है कि 1331 है। आप इसी के जरिए दो तरीके से निकाल सकते हैं कि एक तो अगर आपको 11 का स्केयर हमें याद है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, 11 1 जा 11 1 बचा 11 2 जा 22 और 1 कितना होगा 23, कितना बचा 2 11 11 1 जा 1 एंड 2 टोटल 13। सो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अगर यही क्वेश्चन आपके पास 17 का क्यूब होता तो आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के पर ए का क्यूब करेंगे, ठीक है, उसके बाद में 3 into a² करेंगे तो 1 हुआ, फिर आप 7 कर देंगे। इसी प्रकार 3 into 1 into 7² करेंगे 49, एंड 7 की क्यूब कितनी होती है आपके पास 343। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से 20 तक आपको क्यूब्स क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। ये 1 हो गया, ये 21 हो गया, 49 को 3 टाइम करेंगे तो आपके पास 147 हो गया, यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड 343। ऐड करने का तरीका वही रहेगा जो ऑलवेज है। आप कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने 3 लिखना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट यूनिट दे रखा है, 34 आपके पास कैरी बची, इसको 7 के साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना हुआ, 1 हुआ, क्लियर। अब आपके पास क्या हुआ, 34 एंड 7 41, तो 4 बचा, इस 4 को आपने इसके साथ ऐड कर देना है, टोटल कितना बचा आपके पास 18, तो आपके पास 1 कैरी बची। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, चाहे तो आप इस तरह के कर लीजिए, चाहे आप इसको यूं ऐड कर सकते हैं कि 14 में 1 ऐड किया 15, ये तो आपकी वैल्यू होगी, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो आपके पास 19, तो आप इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, 19 बचा आपके पास 1, और अब 2 बचा, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4, ये आपके पास इस तरह से आ गया। मैंने क्या समझाया, 17 की क्यूब निकालने की ट्रिक, 17 का स्केयर 289 into 17 कर लिए। अगर आपको टेबल प्रिपेयर है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 17 9 जा 153, कैरी कितनी बची आपके पास 15, 17 8 जा कितना होता है 136, 136 में जब 15 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 151, आपके पास कितना लिखेंगे 1, और 15 आपके पास फिर से क्या बच गई, कैरी बच गई। 17 2 जा 34 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 49, तो ये 49 आपके पास सेम हो गया। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, चलिए हम लोग बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना है। तो आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ 22 की क्यूब निकालनी है आपको, मैंने ट्रिक क्या बताई, 2+2 का आप क्यूब कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ए की क्यूब 3 into a into b² नेक्स्ट 3 into a into b² एंड b की क्यूब। मैंने यहाँ पर 2 का क्यूब लगा दिया है तो अब समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का क्यूब मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, 3 को देखिए, अब मैं इसको यूँ समझ लेता हूँ 2 into 2² 3 into 2 into 2² ये यहाँ पर स्केयर आएगा, आगे पीछे हो गया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे 2 की क्यूब। सो आपने क्या करना है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। सो इसी प्रकार इसका भी कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 6 2 12, इट मीन्स 3 2 6 और 6 4 24। सो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 108, ये 8 आया, ये 0 में 4 ऐड किया 4, कोई कैरी नहीं है, 2 बचा, 2 को आगे ऐड कर देंगे 24 में, इट मीन्स 26, आपके पास फिर 2 बचा, 2 को इसमें ऐड कर देंगे कितना हो गया आपके पास 10।
ये आपके पास क्या होगी, इसकी क्यूब होगी। आपको चाहे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी निकालेंगे, स्केयर तरीके से, स्केयर का मतलब 440, ये तो स्केयर हो गया, फिर उनको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 चौका कितना होता है, 88 बच गया 8, फिर 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176 में 8 जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा गाइस, कितना होगा आपके पास 184। सो आपके पास 184 में कैरी बच गई 18, एंड 22 को 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा 188, 88 में जब 18 करेंगे तो कितना होगा, 88 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो 106 है। तो यही तरीका मैंने यहाँ समझाया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और समझा देता हूँ इसका थर्ड। जैसे मान लीजिए इसकी आप क्यूब निकाल रहे हैं, तो अब देखिए कैसे करना है आपको। पेपर के अंदर मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड्स का टाइम लगेगा, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। कैसे करेंगे, जैसे मैंने 8 लिखा, मुझे पता है कि ये इसको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने लिखा, फिर मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी हो। 3 into a square into b, 3 into a into b square एंड b की क्यूब, क्लियर। सो मुझे पता है कि 3 को a का a कितना है यहाँ पर, 2 2 जब 4, एंड 4 को 7 से करेंगे कितना 28, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, क्लियर। इसी प्रकार में 3 को, जैसे 3 को 2 से करेंगे 6, और 7 का स्केयर कितना होता है, 7 का स्केयर कितना होता है गाइज 49, एंड बी की क्यूब मीन्स 7 की क्यूब 38, इसको इस प्रकार लिख लेंगे 3 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चाहे इस प्रकार लिख सकते हैं। आई थिंक यू डोंट हैव टाइम, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 54, 5 बचा कितना 24, और 5 कितना होता है 29, और ये आपके पास 343 था। अब आप ऐड कर सकते हैं, 3 हुआ, 34 में 4 ऐड किया तो कितना 38, 3 कैरी बची। अब इनको आप 4 में ऐड करेंगे 33, 33 और कितना होता है 36, तो आपके पास कितना बच गया 3 बच गया। 8 और 8 कितना होता है 8, और 8 16 होते हैं ना, 16 और 3 कितना होता है 19, तो ये कितना बन गया आपके पास 19683। तो इस वे से आप क्यूब निकाल सकते हैं। ओनली वन ट्रिक, वन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंस देखो, कोई भी स्केयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए स्केयर स्लैश 2ab/b स्केयर। अगर आपको कोई भी क्यूब निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ए की क्यूब 3a² b एंड 3ab² एंड b की क्यूब। ये फॉर्मूले कभी मत भूलना, इसको हम कहते हैं रामबाण विधि, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे तरीके से कोई आपको एक ऐसी देसी दवाई, कोई ऐसी देसी कोई फॉर्मूला, कहने का मतलब कोई ब्रह्म अस्त्र आपके सामने रख दूं ताकि आपके दिमाग में एकदम से तथास्तु हो जाए। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने 42 का क्यूब निकालना है, मुझे पता है कि 4 की क्यूब कितनी होती है 64, मुझे पता है कि 4 का स्केयर करेंगे तो 16, 16 को 2 से किया, 16 दूना 32 को 3 से किया तो कितना हुआ 96। इसी प्रकार से 3 को 4 से करेंगे 12, और 4 कितना होता है 12 चौका 48। मुझे पता है कि 2 की क्यूब इतनी होती है, अब इसमें 8 हो गया, कितना हो गया 6 4 10, 1 हो गया, 9 जोड़ेंगे तो 73, और 1 कितने हो गए 74। गाइस मैच कर लेना, डेफिनेटली 100% करेक्ट होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत इजी होगा। यू नीड टू, आपको जरूरत किसकी, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ये डेफिनेटली है, नो डाउट। अब मान लो कि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको दूंगा। जैसे मान लो मैंने यू लिखा है 27, और यहां पर ये सिंबल किसका है, क्यूब रूट का है। देखो क्यूब रूट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इनके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर तरीके से निकालेंगे। दूसरा है तरीका आपके पास, जिसको बोलते हैं कि रामबाण विधि। लोग पता नहीं द्रोणाचार्य फॉर्मूला क्या क्या लगाते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बिल्कुल फ्लैट तरीके से करेंगे, बस आपको वैल्यू रखनी होगी, आसान बन जाएगा सारे का सारा क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2192 लिखा है, और मुझे इसका पूछा जा रहा है कि क्यूब रूट निकालिए। मैं सबसे पहले इनके फैक्टर कैसे कर लूंगा, मुझे 2192 है, इसके फैक्टर करने के लिए मुझे पता है कि क्वेश्चन 92 है तो 4 से डिविजिबल हो सकता है। आई थिंक मुझे पहला क्वेश्चन है तो मुझे 2 से करके दिखा देना चाहिए आपको, कितना मैं लगाऊं 10, कितना बच गया 9 दुनी 18, 6 दुनी 12, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से कर दूँ 5, और ये 48 हो गया। अब मैं काम करता हूँ 2 से फिर कर लेता हूँ तो कितने लिखूंगा 27, और यहाँ लिखूंगा 4,
फिर मैं श्रीमान जी इसको 2 से करूंगा तो मैं कितना लिख देता हूँ 137। अब मुझे इस चीज़ का पता है कि 137 आसान नहीं है डिविजिबल करना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, दो तरीके के काम करने पड़ेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, यहां प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, आके फंस गया, क्विट कर देगा, छोड़ देगा। अब आपको ऐसा काम नहीं करना है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि आप इस प्रकार फैक्टर सिस्टम में फंस जाओ। तभी मैं आपको रामबाण विधि मेरा कॉन्सेप्ट है। आपको काम क्या करना है, आपको काम ये याद रखेंगे आपकी 1 की क्यूब आप करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा, 2 की क्यूब करेंगे तो ऑलवेज 8 आएगा, 3 की क्यूब करेंगे तो ऑलवेज आपके लिए 7 डिजिट आएगा, 4 की क्यूब करेंगे तो गाइज लास्ट डिजिट 6 आएगा, 5 की क्यूब करेंगे तो ऑलवेज 5 आएगा, 7 की क्यूब करेंगे ऑलवेज 3 आएगा, एंड 8 की क्यूब करेंगे तो ऑलवेज 2 आएगा, 9 की क्यूब करेंगे ऑलवेज 1 आएगा, माफ कीजिए 9 आएगा। ठीक है, स्केयर की तरह नहीं है कि आपको जैसे 2 और 8 का लास्ट डिजिट 4 आएगा, क्यूब्स में कभी ऐसा नहीं होता। देयर इज नो प्रॉब्लम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल डिजिट्स आर देयर, बट आपको क्वेश्चन याद रखना है कि 4 का मेरे से गलती लिखा गया। यहाँ पर मैं एक बच्चे का कमेंट आ गया कि सर 4 ही होगा, बिल्कुल वाजी बात है श्रीमान जी आपकी, 4 ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आएंगे इसमें, मैंने 6 का क्यूब नहीं लिखा, 6 का क्यूब लिखता तो भी उसका लास्ट डिजिट 6 ही आता। अब ये चेक करिए 2 किस से आया है, ये 2 किस से आया है, 2 8 से आया है, 2 किस से आया गाइज, 2 8 से आया है, पक्का बात है 2 किस से आया है भाई, 8 से आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, तो मुझे चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्यूब रूट के अंदर 2 डिजिट छोड़ देने हैं, कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो मुझे इस चीज का भी निश्चित हो जाएगा कि मुझे आसपास के ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन आंसर आएगा। क्लियर, मैंने ये परफेक्ट नहीं लिखा है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, डोंट थिंक ये परफेक्ट था या नहीं था, मुझे एस्टिमेटेड क्वेश्चन मिल गया है। अब मैं लेके चलता हूं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है कि क्यूब निकालिए आप 1728। क्लियर, तो सबसे पहले मुझे पता है 8 किस से आया है, 8 2 से आया है, नो डाउट मैंने 2 लिख लिया, इसके साथ में 2 डिजिट छोड़ देने हैं। देखिए स्केयर में मैंने 1 डिजिट छुड़वाया, बट क्यूब रूट के अंदर 2 डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ दिया, 1 बचा, 1 से छोटा क्यूब क्या होता है, तो ये आपका परफेक्ट निकलेगा 12 की, चेक कर लेना। अब यही क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2197, 7 किस से आया है, मुझे पता है 3 से आया है, ये 3 डिजिट छोड़ देंगे, और 1 का क्यूब क्या होता है, मीन्स 2 से छोटा क्यूब क्या होगा 1, और 1 किस से आया है 1 से, क्लियर 13 का आंसर आ जाएगा। अब मैं अगर यही क्वेश्चन मैं आपको यूं लिख दूं 4096, क्लियर, सो गेटिंग माय पॉइंट हियर, तो आपको काम क्या करना है, ये 6 किस से आया है, ये 6 आया है मेरे प्यारे बच्चों, 6 से आया है, इसके साथ में 2 डिजिट छोड़ देंगे, 4 से छोटा क्यूब क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब ये 16 का आंसर होगा। बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं रटना आपको, अलग अलग तरीके बिल्कुल यूज नहीं करने। इसलिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई क्यूब का बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 49 और 13 कर लेते हैं। चलिए लेट वी स्टार्ट, हम कैसे करते हैं, 3 मुझे पता है किससे आया, 3 मुझे पता है 7 से आया, इसके साथ में 2 डिजिट छोड़ देंगे, 4 से छोटा है 7, तो परफेक्ट चोक कर लेना आप, 7 का ही आंसर आएगा। गाइज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आपको इस तरह के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही क्विक आप तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। ये रहा क्यूब एंड क्यूब रूट का फॉर्मूला, आप अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको और भी आनंद आएगा, बाकी की हम जो आगे इसकी एक मैथमेटिक्स की सीरीज करेंगे उसके अंदर हम क्लियर कर लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करने होते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करने होते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ओनली एक फंडा याद रखना है, देखो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा, सबसे पहला फॉर्मूला लेके चलूंगा ओनली 2 डिजिट्स के, किसका फॉर्मूला लेके चलूंगा 2 डिजिट्स के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या काम होता है, बहुत अलग अलग काम करने हैं, जैसे कि देखो 1 को 1 से किया 1 होता है, 11 को 11 से करेंगे, 111 को 111 से करेंगे, फिर आ गया आपके पास 4, फिर उसके बाद में 4, फिर यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आ गया आपके पास फिर से 5 डिजिट। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे आप, देखो 1 एंड 2 1 एंड 2, तो आपने 1 एंड 2 लगा देना है, और इसी 2 का पहला अक्षर क्या है 1 है, तो आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ दोनों सेम है 111 एंड 111, तो आप कर देंगे 1 2 3, इसी का 2 3 के पहले क्या है 2 और 2 के पहले क्या है 1,
इसका मतलब आंसर हो गया कि 2 3 2 1, क्लियर, 1 2 3 एंड 2 1। अब देखिए 4 डिजिट्स, यानी एक तरफ भी 1100, जैसे 11 11 है, एक तरफ 11 11 है, मीन्स 1000 1000 आपको जो वैल्यू दे रखी है वहां से आप इनको काउंट करना शुरू कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। 4 है तो 1 2 3 4, और 4 से पहले क्या, 3 फिर 2 फिर 1, ये आपका हो गया आंसर। बताइए आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जैसे एक तरफ 5 एक तरफ 5 है, तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 आपको कर देना है, 5 से पहले 4 3 2 1, ये आपके आंसर हो गए। बेशर्ता आपको ये ख्याल रखना है सबसे पहले कि इनके डिजिट्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ यही क्वेश्चन से, अगर एक तरफ आपको कम डिजिट आते हैं, एक तरफ आपको ज़्यादा डिजिट्स आते हैं, तो आपको ये ख्याल रखना है तब आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए सबसे पहले मुझे पता है कि सबसे छोटा डिजिट क्या है, 1 है। इनमें से जब भी एक तरफ 2 हो एक तरफ 1 हो, एक तरफ कहने का मतलब दोनों में एक में डिफरेंस हो रहा हो, भी एक तरफ 3 डिजिट है एक तरफ 2 डिजिट्स हैं, एक तरफ 4 डिजिट्स हैं एक तरफ 3 डिजिट्स हैं, तब आप क्या काम करेंगे, आपको छोटे वाले नंबर की वैल्यू पिक करनी है। जैसे मैंने 1 पिक किया, और इसी 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखिए 1, जैसे कि 111 दे रखा और इधर 11 है, तो आप 11 को पिक कर लेंगे, 11 है 1 और 2, मेरी बात समझ रहे हैं ना, 1 और 2, तो इसी को अपोजिट कर देंगे 2 एंड 1। आप तब करेंगे जब आपके तरफ एक तरफ 3 डिजिट्स एक तरफ 2 डिजिट्स हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि एक तरफ 3 डिजिट्स वाला हमने छोटे वाले नंबर को पिक करना है, इसी को उल्टा कर दीजिए 3 2 1। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि 3, देखो दोनों डिजिट 1 2 3, और इसी का उल्टा 2 3, कहने का मतलब उसी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके पास एक डिजिट्स कम हो तो आप उसी नंबर को 2 टाइम रिपीट करेंगे। अब एक तरफ 5 है और एक तरफ क्या है आपके पास, 3 5 और 4 है, तो 1 2 3 4 4 3 2 1, ये आपका हो गया आंसर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये काम कहाँ देंगे, प्यारे मेरे प्यारे बच्चों ये काम यहाँ देंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई आपसे पूछ लिया है, बताइए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें 3 एंड 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्लियर, 2 टाइम कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास 1 एंड 1 एंड 1 बच गया। अब मुझे एक बात का अच्छे से पता है कि देखो फॉर्मूला तो ये कहता है कि इसमें दोनों में 3 कॉमन निकलेगा, बट इस ट्रिक के अंदर आप दोनों डिजिट्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों डिजिट्स को लिखेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स का फंडा ये कहता है कि दोनों डिजिट्स में कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में एक समान हो, बट मैं यहां पर एग्री करता हूं आपको ट्रिकी मेथड से कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 2 1, ये हुआ 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर, 9 9 2 18, 1 27 और 1 कितना हो गया, 27 और 1 28 हो गया ना, हाँ जी 27 और 1 28 कितना बच गया, 2 9 2 18 और 2 20 बच गया, 2 9 और 2 11, तो कहने का मतलब इस तरह से आप अपने आंसर से निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट फिर भी मैं आपको एक ही फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ आगे, लेकिन इस प्रकार के मेरे पास बहुत सारे फंडे हैं, मैं उन सबको छोड़कर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डिजिटल तरीके से तो करेंगे करेंगे, लेकिन हम लोग राम बाण विधि से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे 27 × 48, देखो मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा, कोई नंबर है, आपने क्या करना है 48 27 27 48, वट एवर जो मर्जी लिख लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना बन गया 56, आपने लिखना है 5 की पावर 6, क्या लिखना है 5 की पावर 6, कहने का मतलब वही जो पावर वैल्यू बनाते हैं, यानी आपने जो 10th डिजिट होता है उसको बेस बनाएंगे और 1st डिजिट आपके पास पावर में चला जाएगा, कहने का मतलब इकाई दहाई, इकाई अंक को पावर और दहाई अंक को आपने मतलब उसकी क्या बना देनी, बेस आधार। अब आपने क्या करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 28 और 6 कितना हो गया 8 2 16, 16 और 28 कितने होते हैं 44, क्लियर, तो आपने 4 की पावर 4 कर देना, 2 2 जा कितना हो गया 8, ये लीजिए। आपने क्या करना है, हमेशा ऊपर वाले डिजिट को सेम लिखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बन गया आपके पास 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे अपने पास 12 बन गया, आपका हो गया आंसर। यानी मैक्सिमम गाइस मैं आपको कह सकता हूं कि 10 सेकंड्स में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 48 × 96 है, तो आपने करना है 48 × 96 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना 48 बना 6 चौका 24 और 72 कितने होते हैं, चाहे आप जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
मेरी प्रैक्टिस है, मैं आसानी से लिख सकता हूँ, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं बातें करता करता इसको मल्टीप्लीकेशंस कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि जो डिजिट लास्ट में आया उसको सेम लिख देंगे, 6 और 4 कितना होता है 10 बज गया 1। अब मुझे पता है कि 9 और 5 6 के 15, 15 और 1 हो गया 16, 1 बज गया, और 3 और 1 4। इसी प्रकार हम 57 × 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, 57 और यहाँ पर 72 लिखा है, एक ही लाइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 49 और 59, और कितना हो गया 7 × 5 = 35। गाइस समझने की कोशिश करिए, ये आपने लास्ट डिजिट जैसा आया वैसे का वैसा लिखेंगे, इस 1 को 9 में ऐड कर देंगे 10 बन जाएगा, बचा 1, 5 और 5 10 होता है, 10 और 1 11, बचा 1 और 3 और 1 4, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार की हम बात करते हैं आगे, मैंने आपके सामने लिखा 68 × 37, 68 37 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56, आपने क्या करना है 42 में आपने 24 जब ऐड कर रहे हैं तो मुझे पता है 66 बनेंगे और 6 3 18 बन जाएंगे। बीच वाले टर्म को क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप लिख देंगे पावर वैल्यू में, और आगे की जो टर्म रहेगी उसको सेम। ध्यान रखना जब भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो उसके 3 पेयर्स बनेंगे, पेयर्स को ऐड करने का तरीका सीख लें, जो लास्ट डिजिट आ गया उसको सेम लिखेंगे, आगे बची वैल्यू को इस प्रकार ऐड करेंगे, 1 और ये हो गया 14 और 1 हो गया 15 और 1 और 1 हो गया 2, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, मैंने आपके सामने लिखा 93 × 48, आपने क्या करना है 93 48 को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6 चौका 8 8 8 24, देयर इज नो केरी वेरी नहीं निकालनी आपको, ये तरीके थे मुगलों के टाइम के, वो छोड़ दीजिए आप। कितना हो गया 9 8 72 और 4 12, 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है आपके पास 94, और कितना होता है 36, ऐड करेंगे 4 आ गया 8 आ गया आपके पास 5 आ गया एंड 4 आ गया, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, आप हमारी मेहनत का थोड़ा सा रिजल्ट दीजिए, आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दें, ताकि सबके पास गिल्ज मेंटोर, ये एक आपके पास ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो बना है, ये सबके पास सबकी जेब में होना चाहिए। जब भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी आप हमें कभी भी कमेंट लिखें, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके लिए। इसी आज के दिन के अंदर ही हम लोग एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे आपको मैं बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है, आप क्या काम करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपको प्लस, यही प्लस एंड प्लस, आप क्या करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रूट से निकाल लेंगे, रूट होगा नहीं डियर, 20 का कभी रूट नहीं होता, 56 का कभी रूट नहीं होता। चलिए आप इनका रूट निकाल लेंगे, मैं आपको ये वैल्यू दे देता हूँ, आ जाइए क्या काम करेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको ये वैल्यू दे देता हूँ 8 विदाउट एनी प्लस एंड माइनस। तो ये सारे के सारे फंडे हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, विदाउट पेन विदाउट पेपर हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने सेशन के अंदर पढ़ाया आप इनकी प्रैक्टिस करिए, एंड आप अपना व्यू जरूर डालिए। जो विद्वान मित्र विद्वान बंधु 1 महीने तक हमें लगातार अच्छे कमेंट्स भेजेगा, हम उसको चूज करके उसके घर पर उसको एक बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा गिल्ज मेंटोर की तरफ से। ध्यान रखते हैं, इस बात को ख्याल में रखते हुए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ पढ़ना जरूर है।